कैश क्रंच की समस्या से जूझ रही है देश की जनता। एटीएम के बाहर लग रही हैं लंबी लंबी कतारें, जिसके बाद अब सरकार ने कहा 500 के नोट पहले से 5 गुना ज्यादा छापे जाएंगे। एटीएम में पैसों की किल्लत से जनता बेहाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा देश में है पर्याप्त पैसा। आईपीएल का 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के पास शुरू किया गगन शक्ति नामक अभ्यास। दुश्मनों को दिखाई ताकत। दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के 9 मंत्रियों के सलाहकारों को हटाया। इसके पीछे वजह बताई अवैध नियुक्तियां। बैंक घोटालों को लेकर संसदीय समिति ने रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को किया तलब। जोधपुर सेंट्रल जेल में ही सुनाया जाएगा आसाराम को फैसला। पुलिस ने हाईकोर्ट को दिया था पंचकूला जैसी स्थिति का हवाला। एटीएम में कैश की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने कहा मोदी जी ने बैंकिंग सिस्टम को कर दिया बर्बाद। मानसून सामान्य रहने के अनुमान के चलते बंबई शेयर बाजार में लगातार 9वें दिन उछाल। सेंसेक्स 90 अंक की बढ़त के साथ 34,395 अंक पर पहुंचा। सोमवार को कम हुई फिल्म अक्टूबर की कमाई। 4 दिन में इस फिल्म ने कुल 22 करोड़ 95 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर किए कलेक्ट।